हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खाना बनाना हिंदी। और खाना बनाना हिंदी में आज हम बनाने वाले हैं पनीर कटलेट। पनीर कटलेट हमारे स्टार्टर स्नैक्स के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज होती हैं और इसे बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पनीर कटलेट। पनीर कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स रेडी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक पैन और उसके अंदर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, 1 कटोरी गाजर और 1 कटोरी ही शिमला मिर्च। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से भूनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जब हम अपने कटलेट्स रेडी करेंगे तो उसमें कच्चा फ्लेवर ना दें और ये बहुत ही जूसी और बढ़िया लगे खाने में। तो लीजिए हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 2 उबले हुए आलू और वेजिटेबल्स जो हमने अभी रेडी की थी। उसके बाद हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे और हमारे पनीर और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो और इसका एक बहुत स्मूथ सा मिक्सर प्रिपेयर हो। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी जल्दी से बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। आप इसे कैसी भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब इसको क्रिस्पी करने के लिए हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून मैदा और 1 ग्लास पानी, ताकि एक पतली स्लरी तैयार कर सकें। ये देखिए हमारी स्लरी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम सभी बॉल्स को इस स्लरी के अंदर डालकर ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर ऐड करेंगे, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। तो चलिए अब जल्दी से सभी बॉल्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारे सभी बॉल्स पे ब्रेड क्रम ऐड हो गए हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। फ्राई करते हुए आप ध्यान दें कि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा हाई हीट पे हो, ताकि जो हमारा पनीर है वो बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करे। और जब फ्राई करें तो आप एक और बात ध्यान दें कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉप करें, ताकि जो भी ब्रेड क्रम्स एक्स्ट्रा हो वो ऑयल में ही निकल जाए। तो लीजिए हमारा क्रिस्पी पनीर कटलेट बिल्कुल रेडी है। ये टी टाइम पे, ये इवनिंग स्नैक्स में बहुत ही बढ़िया लगता है और ये पार्टीज में बहुत ही एक अच्छी सर्विंग डिश है। और ऐसी अच्छी और आसान रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें खाना बनाना हिंदी को। धन्यवाद।